Now I am going to start exercise 9.2. NCERT exercise 9.2, which is based on multiplication. Because हमने multiplication का काफ़ी practice किया कि कभी हमारे पास दो monomial term है या one monomial, one binomial, जितनी भी तरह की terms हैं उनका हम multiplication कैसे करेंगे. ठीक है, बहुत ही simple सी exercise है. First question is find the product, product means multiplication of the following pairs of monomials. Monomials मतलब क्वेश्चन में क्लियरली कहा है कि दोनों टर्म सिंगल, एक एक टर्म है, दोनों एक्सप्रेशन जो है उनमें टर्म एक एक ही है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 and 7p. मल्टीप्लाई करना है तो व्हाट वी विल डू, 4 into 7p. सबसे पहले हमने क्वेश्चन को प्रोडक्ट के फॉर्म में जमाया. एज आई टोल्ड यू, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होता है, तो 7 4 20 8. पी के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है और पी लाइक टर्म कुछ है नहीं है, तो इसका आंसर सिंपल से क्या होगा, 28p. बहुत ही छोटा सा ओरल टाइप का क्वेश्चन है तो हम इसे स्पीड में लेंगे. 4p 7p, हमें इन्हें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है. तो व्हाट विल डू, 4p मल्टीप्लाई बाय 7p. अब क्या होगा आपका, इसको जब आप ओपन करेंगे, फाइन, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो इट विल गिव यू -28. अब यहाँ पर पी की भी पावर 1 है, पी की भी पावर 1 है तो पी की पावर 1 + 1, सो इट विल गिव यू फाइनली p^2. ये स्टेप आप चाहें तो नहीं करें, अगर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, p and p will give you p square. और इस पे बेस्ड हमने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो आई होप कि आप डायरेक्टली ही इसको करने के लिए आप कंफर्टेबल हो गए होंगे. सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन था, 28p square. नाउ -4p 7p³. प्रोडक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, -4p multiply by 7pq. ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे, -4 into p into 7 into p into q. छोटा क्वेश्चन है तो हमने पूरा ओपन कर दिया. नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होगा, लाइक पी और पी लाइक है, इनकी पावर 1 है, सो नाउ आई एम डायरेक्टली राइटिंग p² एंड क्यू के लिए कोई लाइक टर्म नहीं है, अनदर क्यू नहीं है तो क्यू एज इट इज रहेगा, तो द आंसर विल बी 28p² q. इसका फोर्थ पार्ट है, (4p³, -3p). अगेन सबसे पहले आप इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज करेंगे, फाइन, इसके बाद नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4pq -3p. माइनस की जब भी टर्म है तो कोशिश करिए कि वो ब्रैकेट में लिखें, 4 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल गिव यू -12. एंड पी क्यूब है और यहाँ पी की पावर 1 है, व्हेन बेसेस आर सेम द पावर विल बी एडेड, -12p^4. ये आंसर हो जाएगा. इसका एक और पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, 4p, 0. ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका ओरली यू कैन गिव आंसर क्या होगा, यस 0, बट स्टिल आप उसको एटलीस्ट ऐसा लिखेंगे एंड देन आप लिखेंगे 0, क्योंकि कोई भी नंबर वेरिएबल व्हेन इट मल्टीप्लाई बाय 0 इट विल ऑलवेज गिव यू रिजल्ट एज 0. ठीक है, तो ये सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, ये केवल आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कराने के लिए छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन है. नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स. नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स with the following pairs of monomials, means again given है
कि सारी जो भी एक्सप्रेशन है वो मोनोमियल है, एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। मीन्स जो डायमेंशन दिए हैं उसमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों जो है गिवन है। पांच छह सब पार्ट्स हैं इसके, मैं एक 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 लेती जाती हूँ। फर्स्ट जो डायमेंशन है दैट इज पी क्यू। रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो हम छोटा सा एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, तो मीन्स लेंथ पी हो गया, ब्रेथ क्यू हो गया। कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। ये हमने लिया, अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, क्यू कैपिटल दिया है, स्मॉल दिया है। सो आपका आंसर होगा पी क्यू, एंड यूनिट जो भी आएगी वो आपकी स्क्वायर में आएगी बिकॉज इट्स अ एरिया। अब यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है तो आप आंसर लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, मीन्स जो भी एरिया है मल्टीप्लाई जब होगा लेंथ और ब्रेथ का तो वो स्क्वायर में यूनिट में आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी का सेकेंड पार्ट जो है, डायमेंशन दिया है 10 mm एंड 5 mm, मीन्स अगेन रेक्टेंगल है, एक डायमेंशन 10 mm है, एक डायमेंशन 5 mm है। आप चाहे तो यहाँ भी लिखें, हर केस में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर बना सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 10 mm इंटू 5 mm, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होगा 50 mm, और आप एडिशनल में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। बहुत ही छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं इसके, हम सारे ले लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का प्रैक्टिस हो रहा है इससे। 20x² एंड 5y² अगेन लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, 20x² एंड 5y² मीन्स ये भी 5y² है एंड ये 20x² है क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ मीन्स आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 20x² मल्टीप्लाई बाय 5y² नंबर का नंबर से होगा तो 25 is 100। एक्स स्क्वायर की कोई लाइक टर्म है, नहीं है। वाई स्क्वायर के लिए भी कोई टर्म है, नहीं है। सो फाइनली योर आंसर इज 100x² / 2 और आप यूनिट जो है वो स्क्वायर यूनिट लिख के छोड़ देंगे। इसी का फोर्थ पार्ट है, डायमेंशन दिया है 4x 3x². अब मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 4x * 3x². नंबर का नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो इट विल गिव यू 12। एक्स की कोई पावर नहीं है तो आप क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। सो फाइनली इट इज 12x³, जो भी आएगा वो स्क्वायर में आएगा बिकॉज इट्स अ एरिया। एक छोटा सा और पार्ट है फिफ्थ, डायमेंशन है 3 mm एंड 4 mp मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 3 mm मल्टीप्लाई बाय 4 mp। 4 3 हो जाएगा 12, एन एंड एन मिलके बन जाएगा एन स्क्वायर, एम पी स्क्वायर यूनिट। मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस के लिए सम्स दिए हुए हैं, बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के सम हैं। आपको तो इससे कई टाइम्स बड़े बड़े सम हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं, बट स्टिल ये इसलिए दिए हुए हैं कि आपको छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजीली आ जाए। तो ये था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसके छोटे सब पार्ट्स थे। सो दोस्तों ना आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 विच इज बेस्ड ऑन टेबल। अभी तक के हमने जो भी प्रोडक्ट किए उसमें टेबुलर फॉर्म में नहीं था, थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टेबल।
कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स मीन्स हमें रोज एंड कॉलम्स में कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं एंड वी नीड टू फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देम. टेबल बनाएंगे हम. फर्स्ट मोनोमियल सेकेंड मोनोमियल. फर्स्ट इस तरफ है, सेकेंड इस तरफ है. 2x माइनस 5y. फर्स्ट कॉलम में जो जो हमारे पास है पहले हम वो फिल कर रहे हैं. 3x स्क्वायर माइनस 4xy देन 7x स्क्वायर y एंड लास्ट इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ये तो हमारे कॉलम्स दिए हुए हैं. फर्स्ट रो में जो दिया हुआ है दैट इज 2x देन माइनस 5y एंड देन 3x स्क्वायर एक और यहाँ पर आ सकती है रो, मैं वो और ले लेती हूँ. इसके बाद का आप जो है वो घर पे प्रैक्टिस करेंगे. माइनस 4xy. रोज एंड कॉलम्स में जब भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका जो प्रोसीजर रहता है वो ही रहता है. फर्स्ट रो का फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बी मल्टीप्लाई टू ऑल द टर्म्स इन कॉलम्स. ठीक है, मीन्स 2x का 2x से मल्टीप्लाई होगा. लाइक अपन ऐसा शॉर्ट में अगर कुछ बनाना चाहें तो 2x का 3x स्क्वायर से भी होगा, 2x का 4xy से भी होगा, 2x का मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर वाई से होगा एंड देन 2x का मल्टीप्लाई माइनस 9x स्क्वायर वाई से भी होगा. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है. इवन एक क्वेश्चन भी बहुत एलिमेंट्री है. ये जस्ट आपको प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर, सो 2 2s are 4 एंड x एंड x विल गिव यू x स्क्वायर. एंड हाउ, x टू द पावर 1 है, कुछ नहीं है, मीन्स 1 है. जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है. ठीक है, नाउ 2x का मल्टीप्लाई जब माइनस 5 से होगा, माइनस 5y से, तो 2 5s are 10 बट माइनस 10 बिकॉज हेयर वी हैव माइनस 5. x है यहाँ y है, मीन्स दोनों लाइक नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होके एक्स वाई ही एज इट इज रहेंगे. नाउ 2x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, 2 3s are तो हमें क्या मिल जाएगा 6. यहाँ x टू द पावर 1 है एंड यहाँ x टू द पावर 2 है, पावर ऐड होके हमें हो जाएगा x टू द पावर 3. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है. 2x का माइनस 4xy से होगा, तो पहले तो माइनस 8 देन x एंड x विल गिव यू एक्स स्क्वायर एंड y के लिए हमारे पास कोई भी सेम वेरिएबल नहीं है तो हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे. 2x मल्टीप्लाई बाय 7x स्क्वायर वाई, 7 टू ज़ा हो जाएगा 14, x एंड x स्क्वायर विल गिव यू x क्यूब एंड y एज इट इज एंड द लास्ट इज 2 9s are 18 एंड x एंड x स्क्वायर विल गिव यू x क्यूब एंड y स्क्वायर एज इट इज. तो ये हमारा फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन विद कॉलम्स कंप्लीट हो गया. इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए. ठीक है, नाउ माइनस 5y मल्टीप्लाई बाय 2x. अब हम स्पीड में लेंगे माइनस 10, x एंड y दोनों सेम नहीं हैं तो इट विल मल्टीप्लाई एंड रिजल्ट विल बी xy. माइनस 5 एंड माइनस 5 विल गिव यू 25. वाई 25 बिकॉज बोथ आर माइनस, तो माइनस एंड माइनस विल एलिमिनेट और यू कैन सी कैंसिल. ठीक है, माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, 5 5s are 25 एंड y एंड y विल गिव यू y स्क्वायर. माइनस 5 एंड 3 सो माइनस 15, x स्क्वायर एंड y बिकॉज दोनों ही डिफरेंट है, यहाँ x है वहाँ y है तो मल्टीप्लीकेशन सिंपल हो जाएगा. माइनस 5y एंड माइनस 4, अगेन 5 4s are 20
बट हमें प्लस का 20 मिलेगा बिकॉज माइनस एंड माइनस विल एलिमिनेट, और यू कैन से कैंसिल, और यू कैन से माइनस माइनस इज प्लस. y एंड y विल गिव यू y स्क्वायर, x एज इट इज. माइनस 5 इंटू 7 इज माइनस 35, y इंटू y इज y स्क्वायर एंड x स्क्वायर एज इट इज. माइनस 5 इंटू माइनस 9 इज 45, वो भी प्लस के बिकॉज माइनस एंड माइनस विल कैंसिल. y एंड y इज y क्यूब, x स्क्वायर एज इट इज. ठीक है ना. 3 टू जा 6, x स्क्वायर एंड x विल गिव अस x क्यूब. 3 फाइव जा 15, x स्क्वायर y. 3 थ्री जा 9 एंड x स्क्वायर, एंड x स्क्वायर इज x टू द पावर 4 बिकॉज पावर एड हो जाएगी. 3 फोर जा 12 बट माइनस 12, x स्क्वायर एंड x इज x क्यूब y. सिमिलरली 3 सेवन जा 21, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज x टू द पावर 4 y एज इट इज क्योंकि y वहाँ नहीं है. 3x स्क्वायर एंड 9 थ्री जा 27, वो भी माइनस का. x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज x टू द पावर 4 एंड y स्क्वायर एज इट इज. फाइन. नाउ लास्ट माइनस 4 एक्स वाई. माइनस 4 इंटू 2 विल गिव यू माइनस 8, x एंड x इज x स्क्वायर y एज इट इज. माइनस 4 माइनस 5 इज 20, x है नहीं है तो x एज इट इज एंड y एंड y इज y स्क्वायर. सिमिलरली माइनस 4 इंटू 3 इज माइनस 12, x एंड x स्क्वायर इज x क्यूब एंड y एज इट इज. फाइन. अब ये हमारे पास माइनस 4 एंड माइनस 4, सो ये हो जाएगा प्लस का 16 बिकॉज माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल और एलिमिनेट. 4 फोर जो 16 हो गया, x इंटू x एक्स स्क्वायर, y इंटू y वाई स्क्वायर. ठीक है ना. माइनस 4 इंटू 7 इज माइनस 28. ठीक है, x एंड x स्क्वायर इज x क्यूब एंड y एंड सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं. x एंड x स्क्वायर इज x क्यूब राइट एंड y इज y स्क्वायर. नाउ द लास्ट वन इज 9 फोर जा 36, माइनस माइनस कैंसिल. x एंड x स्क्वायर इज x क्यूब एंड y स्क्वायर इज y क्यूब. तो ये हमारा ईच एंड एवरी रो एक्सप्रेशन इज मल्टीप्लाइड बाय ईच एंड एवरी कॉलम. मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया ये पूरा, एक टेबुलर फॉर्म में. तो हमने अभी तक मल्टीप्लीकेशन इस फॉर्म में नहीं किया था, तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया. सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी ऑलरेडी डन. नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस. मीन्स बॉक्सेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में हैं और उनका हमें वॉल्यूम निकालना है. ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली. मीन्स ऑल थ्री क्वांटिटीज आर गिवन. फर्स्ट पार्ट है 5a, 3a स्क्वायर एंड 7a टू द पावर 4. रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मीन्स क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा. फाइन. इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. लेंथ गिवन है 5a, ब्रेथ गिवन है 3a स्क्वायर एंड सॉरी हाइट मीन्स h गिवन है 7a टू द पावर 4. एंड हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, इज वॉल्यूम इज ऑलवेज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. ठीक है,
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एल भी गिवन है तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, इन प्लेस ऑफ एल आई हैव सब्सटीट्यूटेड 5a, देन 3a स्क्वायर, देन 7a टू द पावर 4। सिंपल मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन हो गया। वो देखिए जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किए दे ऑल आर वेरी एलिमेंट्री एंड ईजी क्वेश्चन, बट उसमें घुमा घुमा के अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, सबका प्रोडक्ट। ठीक है, पहले एरिया दिया था, एरिया इट सेल्फ लेंथ इंटू ब्रेथ या जो भी आपका जिस शेप का एरिया उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाया, विच उसमें भी प्रोडक्ट फाइंड करना था। यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, बट अगेन यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना पड़ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब इससे पहले हमने रो एंड कॉलम वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें भी हमने सारी क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई किया। मीन्स हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस होना चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 5 105, नंबर का मल्टीप्लाई हो गया। नाउ इसकी पावर कुछ नहीं है, मींस 1 है, सारी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। आप, मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, आप चाहें तो ये स्टेप करें, और आप अगर इतने कंफर्टेबल हो गए हैं तो इनको काउंट करके लिख सकते हैं, 8 to the power 7। मींस आपका जो भी आंसर आएगा 105 8 to the power 7 क्यूबिक यूनिट, लेट्स से सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर है तो क्यूबिक मीटर, जो भी यूनिट दिया है उसका क्यूबिक हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ऑलवेज इन क्यूबिक फॉर्म। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हुआ है। नाउ इसी का 2-3 पार्ट और हैं, तो हम शॉर्ट में लेंगे। अब सेम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, 2p 4q and 8r, मीन्स क्या गिवन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, एल इज 2p, ब्रेथ इज 4q एंड हाइट ऑफ दिस बॉक्स इज 8r। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम इज एल बी इंटू एच, एल इज 2p 4q and 8r, 2 4 8 8 8 64, नंबर सारे मल्टीप्लाई हो गए, सारे वेरिएबल डिफरेंट है, लाइक एक भी नहीं है, तो ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आपका जो भी वॉल्यूम आएगा दैट इज इन क्यूबिक यूनिट। ठीक है, उन्होंने यूनिट से रिलेटेड हालांकि अभी इसमें कुछ भी नहीं कहा है। थर्ड है एक्स वाई 2xy and 2xy² मीन्स अगेन व्हाट दे हैव गिवन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रैक्टिस मेक यू, वो आप चाहते हैं कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एल इंटू बी इंटू एच, एल इज एक्स वाई 2x² y, सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूशन 2xy² ठीक है, सारे लाइक जो है कलेक्ट कर लीजिए, x² इंटू एक्स एंड नंबर, तो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 2 4, फाइन x हो गए, देन सारे y y y and y² बेसिस सेम है तो सारे ऐड हो जाएंगे, तो x to the power 4 एंड सिमिलरली y to the power 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। फोर्थ हमने कर लिया, a 2b and 3c, इट मीन्स लेंथ इज a, ब्रेथ इज 2b एंड हाइट इज 3c। वी विल अप्लाई द फॉर्मूला, l इंटू बी इंटू एच, सब्सटीट्यूट द वैल्यू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3c, 3 2 6, ए बी सी ऑल आर अनलाइक, तो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमें क्या फाइंड करना था, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस दिए हुए थे, उन डायमेंशन के हिसाब से हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 5th क्वेश्चन, विच इज अगेन बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट आपने यहाँ एक चीज नोटिस करी होगी कि इस पूरी एक्सरसाइज में सारी टर्म्स मोनोमियल हैं, मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन हम मोनोमियल से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे,
obtain the product of, बहुत शॉर्ट में हम जल्दी से करेंगे, फर्स्ट इज एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट, तो हम इनको सबको क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, जेड एक्स, कोई नंबर नहीं है, अदरवाइज पहले हम क्या करते, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करते, सिंपल एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। कैसे बनेगा, क्योंकि इनकी कोई पावर नहीं है, मीन्स इनकी पावर वन है, वाई और वाई विल गिव यू वाई स्क्वायर एंड जेड विल गिव यू जेड स्क्वायर, सो योर आंसर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड, ए कॉमा माइनस ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, फाइन, क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, हम ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं कि जिससे कोई नेगेटिव टर्म आए तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, हमने लिख दिया, नंबर कुछ भी नहीं है, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से नहीं होगा, बट यहाँ साइन है, प्लस माइनस एंड प्लस, तो योर रिजल्ट विल बी इन माइनस, ठीक है। नाउ इसकी पावर वन, इसकी टू एंड इसकी थ्री, सो द होल पावर इज थ्री इंटू फाइव एंड वन सिक्स, इसकी जगह पर आपको अगर ये स्टेप लिखना है तो यू कैन राइट दिस स्टेप ऑल्सो एंड देन यू कैन आंसर ए टू द पावर सिक्स, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली, ठीक है। नाउ थर्ड इज टू फोर वाई एट वाई स्क्वायर एंड 16y क्यूब, चार टर्म है बट ऑल आर मोनोमियल्स, क्योंकि सब में एक एक ही टर्म है, ठीक है। 2 इंटू फोर वाई इंटू एट वाई स्क्वायर इंटू 16y क्यूब, सारे हमने लिख लिए, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर का मल्टीप्लाई होगा नंबर से, नंबर का जब नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 टू ज़ 8, 8 एट ज़ 64, इतना तो हमने कर लिया, अभी 16 बचा हुआ है, बाकी सारे वेरिएबल y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ठीक है। 64 इंटू 16 इज़ 1024, y की कोई पावर नहीं है, मींस कितना है 1, सारे y काउंट कर लीजिए, 3 एंड 2 5 एंड 6, तो हमारे पास आ जाएगा y टू द पावर 6, इतना सिंपल मल्टीप्लीकेशन था। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ, आप इसे नोट डाउन कर लें, फोर्थ और फिफ्थ हम यहां करेंगे, फोर्थ इज a कॉमा 2b कॉमा 3c कॉमा 6abc, चार टर्म्स है, a कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, तो आप चाहें तो बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, 6abc, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई, 2 3 ज 6 6 ज 36, तो नंबर कितना होगा 36, अब सारे a काउंट कर लें, इनकी कोई पावर नहीं है, मींस 1 है, a एंड a विल गिव यू a टू द पावर 2, b एंड b विल गिव यू b टू द पावर 2 एंड सिमिलरली c इज आल्सो c टू द पावर 2, तो ये हो गया आपका आंसर। फिफ्थ इज m माइनस m n एंड m n p, प्रोडक्ट के फॉर्म में जमाएंगे, m इंटू माइनस m n, अब मैंने ब्रैकेट लिया है बिकॉज एक टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव जब भी हो तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि वो ब्रैकेट में हो, सारी पावर वन लगा दी हमने क्योंकि कुछ भी पावर नहीं है, मींस उनकी पावर वन है, सबसे पहले नेगेटिव, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा बिकॉज ये वाला टर्म प्लस में है, माइनस एंड प्लस, प्लस माइनस प्लस विल गिव यू माइनस। नाउ एम काउंट कर लें, 1 2 3, एम क्यूब, एन काउंट कर लें तो एन स्क्वायर एंड पी, सो स्टूडेंट ये था मोनोमियल मल्टीप्लाई मोनोमियल से, अब हम मूव करेंगे, एक्सरसाइज हो गई 9.2, नाउ 9.3 विच इज बेस्ड ऑन माई मोनोमियल एंड बाइनोमियल,